नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सीवा राजकुमार और स्टारर फिल्म कनाडा की नई रिलीज फिल्म वेधा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म वेधा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 की, आप सभी को बता दूं कि फिल्म वेधा का बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता कम्प्लीट हो चुका है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 की बात करें तो फिल्म विक्रम वेधा ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के अंदर 0.65 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया, जहाँ फिल्म का कनाडा बॉक्स ऑफिस से 0.60 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। इसी के साथ फिल्म वेधा का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 11.20 करोड़ का टोटल ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। वहीं दोस्तों फिल्म वेधा का कनाडा का बॉक्स ऑफिस पर टोटल 9.35 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म वेधा के बजट की बात करें तो फिल्म को 10 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। फिल्म को वर्ल्ड वाइड हिट होने के लिए 16 करोड़ के आंकड़े को पार करना होगा। दोस्तों फिल्म वेधा एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं साउथ फिल्मों के मास महाराजा के नाम से जाने जाने वाले रवि तेजा की फिल्म धमाका के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के बारे में। दोस्तों फिल्म धमाका का बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। फिल्म धमाका आंध्र एंड तेलंगाना बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई कर रही है। फिल्म धमाका के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 की बात करें तो फिल्म का डे 7 के अंदर भी ठीक ठाक कमाई देखने को मिली। बात करें फिल्म के डे 7 कलेक्शन की तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के अंदर वर्ल्ड वाइड 3.75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जहां फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से 3.10 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। इसी के साथ फिल्म धमाका का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 59.75 करोड़ का टोटल ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। फिल्म का टोटल आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से 42.55 करोड़ की कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म को 40 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर अप्रॉक्स 60 करोड़ की कमाई कर चुकी है। तो फिल्म धमाका की बात करें तो फिल्म धमाका एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में रवि तेजा का डबल रोल देखने को मिला है। फिल्म एक मास एंटरटेनर फिल्म है। फिल्म आपने देखी या ना देखी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं निखिल सिद्धार्थ एंड अनुपमा परमेश्वरन स्टारर फिल्म 18 पेजेस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के बारे में। आप सभी को बता दूं कि फिल्म 18 पेजेस का बॉक्स ऑफिस पर पहला हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। फिल्म कमाई करने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 की बात करें तो फिल्म 18 पेजेस ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के अंदर वर्ल्ड वाइड 1.2 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जहां फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से टोटल 1 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। इसी के साथ फिल्म 18 पेजेस का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 17.45 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है, जहां फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से टोटल 13.95 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। दोस्तों फिल्म 18 पेजेस के बजट की बात करें तो फिल्म को 16 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर। फिल्म 18 पेजेस को ऑडियंस के द्वारा काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिला है। फिल्म तेलंगाना एंड आंध्रा बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई कर रही है। तो आप सभी को बता रहे जो कि निखिल सिद्धार्थ एंड अनुपमा परमेश्वरन की पिछली फिल्म अर्थिके 2 बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। फिल्म 18 पेजेस के ऊपर आपकी क्या राय है? आपने फिल्म देखी या ना देखी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह स्टारर फिल्म सर्कस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के बारे में। दोस्तों फिल्म सर्कस का बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। फिल्म के डे 7 कलेक्शन की बात करें तो फिल्म सर्कस ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 के अंदर 2.10 करोड़ का टोटल नेट कलेक्शन किया। इसी के साथ फिल्म सर्कस का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 30.45 करोड़ का टोटल नेट कलेक्शन हो चुका है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म को 115 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म को थिएटरिकल हिट 125 करोड़ के आंकड़े को पार करना होगा। फिल्म का रिलीज होने से पहले काफी ज्यादा बज था, बट फिल्म के रिलीज होने के बाद ऑडियंस में इस फिल्म को लेकर कुछ खास क्रेज देखने को नहीं मिल रहा। फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर आधी भी नहीं कमा पाई है। फिल्म सर्कस के ऊपर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था लेखा जो का हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉलीवुड के लिए जुड़े रहिए मेरे इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।